दोस्तों फाइनली बिहार एसटीईटी 2019 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया गया है आज ही के डेट में, मीन्स 19 दिसंबर 2019 की डेट में। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना लिखा गया है और यहाँ पे जो प्रेषक है परीक्षा नियंत्रक विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। सेवा में लिखा गया सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये लेटर को भेजा गया है, संप्रेषित किया गया है। आगे बात करें यहाँ पे विषय देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है इसका कि राज्य के सभी जिला में दिनांक 28 जनवरी 2020 को माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी 2019 के आयोजन के संबंध में है और यहाँ पर ही विषय वाले सेक्शन में ही मेंशन कर दिया गया है कि 28 जनवरी 2020 को यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जो है उसका आयोजन किया जाएगा, एसटीईटी 2019 का आयोजन किया जाएगा। और इसके पहले मैंने एक अपडेट प्रोवाइड कराया था जिसमें यह बताया था कि जनवरी के लास्ट तक यहाँ पर एग्जामिनेशन को शेड्यूल करने का डेट है। अगर शेड्यूल नहीं किया जाता है, मतलब एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं कराया जाता है जनवरी के लास्ट तक, तो फिर यहाँ पे मैट्रिक और इंटर का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा फरवरी में और उसके बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा विलंब यहाँ पे देखने को मिलेगा एसटीईटी 2019 के एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया गया है आगे कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि निर्देशक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक इतना दिनांक 12 दिसंबर 2019 के द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी 2019 के आयोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट के साथ आवेदन प्राप्त कर परीक्षा आयोजित करने का आदेश प्राप्त है। उक्त के आलोक में पुनः आवेदन प्राप्ति हेतु आवश्यक विज्ञप्ति प्रकाशित किया जा चुका है जिसके आलोक में दिनांक 20 दिसंबर 2019 से 24 दिसंबर 2019 तक आवेदन प्राप्त कर दिनांक 28 जनवरी 2020 को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि जैसा कि पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि अधिकतम आयु वाले जो कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट ओवर एज के कारण इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए थे, उन्हीं के लिए यहाँ पे जो है इस डेट को एक्सटेंड किया गया है यानी 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक, यानी कल से 24 दिसंबर तक आप जो है आवेदन इसमें कर सकते हैं। अगर आप अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो इसमें आवेदन आप कर सकते हैं और उसके बाद में अगले महीना में 28 जनवरी को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है एसटीईटी 2019 के रिगार्डिंग। और आगे देखिए बताया गया है कि इस संबंध में स्पष्ट करना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक इतना के द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 हेतु परीक्षा केंद्र की सूची प्राप्त है जिसे डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 हेतु समिति के पत्रांक दिनांक इतना के द्वारा संपुष्ट कराया गया है कि आलोक में अधिकांश जिले से संपुष्टि प्राप्त हो चुकी है। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 हेतु अलग से तिथि निर्धारित कर परीक्षा केंद्र निर्धारित कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे डीएलएड से रिगार्डिंग ये जो रिलेटेड अपडेट है इसके बारे में हमको ध्यान नहीं देना, हमको मतलब है एसटीईटी 2019 से रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखिए बताया गया कि उपयुक्त निर्धारित एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संपुष्ट सभी केंद्रों पर दिनांक 28 जनवरी 2020 को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 दो पालियों में होना निर्धारित है, यानी जो आपका एग्जामिनेशन का शेड्यूल है वो इस बॉक्स में बता दिया गया है। परीक्षा की तिथि यहाँ पे 28 जनवरी 2020 मेंशन है। प्रथम पाली आपको जो है 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगी, द्वितीय पाली 2 बजे से 4:30 बजे तक चलेगी और प्रथम पाली में एसटीईटी पेपर 1 आयोजित किया गया है, सेकेंड पाली में आपको एसटीईटी पेपर 2 का आयोजन किया गया है। एसटीईटी पेपर 1 का मतलब होता है हाई स्कूल के टीचर बनने के लिए होता है यानी 9वीं और 10वीं के शिक्षक बनने के लिए, और यहाँ पे जो पेपर 2 है वो 10+2 के शिक्षक बनने के लिए पेपर 2 यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। और यहाँ पे 28 जनवरी डेट मेंशन है, आप देख सकते हैं प्रथम पाली द्वितीय पाली में विभाजित करके इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, और आगे बताया गया है कि अंकनीय है कि इस परीक्षा में बायोमेट्रिक उपस्थिति एवं सभी केंद्रों पर अजैमर की व्यवस्था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से की जा रही है, यानी आपका जो फिंगरप्रिंट है उसको भी लिया जाएगा, बायोमेट्रिक वहाँ पे डाटा आपको जो है देना होगा। उसके बाद में आपका वहाँ पे जैमर की भी व्यवस्था की गई है। जैमर वो डिवाइस होता है जो कि आपके सभी वहाँ के आसपास के एरिया के नेटवर्क को बाधित कर देता है। वहाँ पे आप मोबाइल ले जाइएगा तो मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे जैमर लगाया गया है। आगे बताया गया है कि अतः अनुरोध है कि उपयुक्त के आलोक में दिनांक 28 जनवरी 2020 को आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के आयोजन हेतु सभी केंद्र पर तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। विधि व्यवस्था संधारण एवं परीक्षा आयोजन से संबंधित विस्तृत सूचना निर्देश अलग से अध्यक्ष सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर से निर्गत किया जाएगा, यानी विधि व्यवस्था से रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष या फिर सचिव द्वारा यहाँ पे अलग से जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे हमको मतलब है एसटीईटी के एग्जामिनेशन के डेट से देख सकते हैं 28 जनवरी 2020 को यहाँ पे डेट जो है शेड्यूल किया गया है, 28 जनवरी 2020 का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक वो भी आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर, और इसमें केवल बिहार के कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, अदर स्टेट वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इस नोटिस के बारे में आपको क्या कहना है प्लीज़ अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हमें भी आपका राय पता चल सके और आगे का जो भी टॉपिक है उस हिसाब से मैं निर्धारित कर सकूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक ले बाय, जिन बंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।